पढ़ाई आपको दर्द लग रही है, आज जो पढ़ाई आपको दर्द लग रही है, अगर उस दर्द को झेलते रहोगे ना, अगर उस दर्द को झेलते रहोगे तो आगे चलकर यही दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम एडिशन ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में जानेंगे, यानी कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एडिशन कैसे करते हैं। तो आज हम जानेंगे एडिशन ऑफ मोनोमियल्स और एडिशन ऑफ बाइनोमियल्स। मोनोमियल बाइनोमियल क्या होता है, इससे पहले वाले पार्ट में हम जान चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सो एडिशन ऑफ मोनोमियल, मोनोमियल मतलब एक टर्म वाले, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया है 3 apple plus 4 apple, अब हमें ऐड करना है कि 3 apple plus 4 apple, तो कितने एप्पल हो जाएंगे, 7 apple। ठीक है, तो यहाँ पे एप्पल था यानी जो ये फ्रूट था वो एक ही था। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ और होता, मान लो मैंगो होता, तो हम इसे ऐड कर पाते, भाई मैंगो की अलग है और एप्पल अलग है, तो हम इसे ऐसे लिखते 3 apple plus 4 mango। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या था, फ्रूट सेम थे तो हमने ऐड करके लिख दिया, तो ये हो जाएगा 7 apple। उसी तरीके से जब हम जोड़ेंगे, जैसे ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, 3x plus 4x है, सो 3x एक टर्म हो गया प्लस 4x एक टर्म हो गया, तो ये क्या है, मोनोमियल है। अब जब हम मोनोमियल को जोड़ेंगे तो आपको क्या चीज याद रखनी चाहिए, मोनोमियल हो बाइनोमियल हो कोई सा भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, जब आपको उसे जोड़ना है, जब तक लाइक टर्म्स नहीं होंगे हम उसे ऐड नहीं कर सकते। लाइक टर्म्स मतलब हम क्या कर लेंगे, 3 और 4x जो है वो दोनों में सेम है, तो हम ये कर सकते हैं कि हम 3 plus 4 कर लेंगे, x को अपने साइड में लेके चलेंगे। ठीक है, अब जब हम 3 और 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 7x, और ये यहाँ पे हमारा आंसर आ गया ऐड करने पे। वहीं पे अगर ये होता 3x plus 4y, तो अब हम यहाँ पे इसे ऐड नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, 3x plus 4y, तो उसे हम ऐसे ही लिखते हैं एज इट इज, जो उसकी एक्सप्रेशन दे रखी होगी वही हम लिख देंगे, क्योंकि उसमें लाइक टर्म्स नहीं होंगे। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे -3x minus 8x plus 5x, अब इसे भी जोड़ना है, सो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम 8 प्लस 3 कर देते हैं, क्यों, क्योंकि x x तो हमारे पास सेम ही है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, -3 minus 8 plus 5, ये हमने एक साइड ले लिए, x जो है वो साथ में चल रहा है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो 8 plus 3 11, अब ये माइनस का साइन आएगा इसके आगे, 8 बड़ा है उसके आगे भी माइनस का साइन है, प्लस में 5 है, अब हम इसे जोड़ देंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, अब 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 6 बच जाएगा ये यहाँ पे, सो माइनस का 6 आएगा, क्यों, क्योंकि 11 बड़ा है और उसके आगे माइनस का साइन है, और x जो चल रहा था वो भी आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आंसर आ गया -6x। मतलब सीधी सी बात ये है कि जब आपको एडिशन करना हो मोनोमियल्स का, तो पहले आपको उसमें से हम लाइक टर्म एक साइड कर लेंगे, उन्हें जोड़ लेंगे, जो वेरिएबल होगा वो लगा देंगे, अगर लाइक टर्म नहीं है वो, तो फिर हम उसका एडिशन नहीं कर सकते हैं। अब आते हैं एडिशन ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन, तो आप यहाँ पे देखिए 2x plus 4y plus 3x plus 2y, अब इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, दूसरा होता है वर्टिकल अरेंजमेंट, तो दोनों तरीके से करके देखेंगे। अब आप यहाँ पे देखोगे बाइनोमियल मतलब जिसमें दो दो टर्म्स हो, जैसे एक साइड एक एक्सप्रेशन में यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक और दो, उसके बाद ऐड करना है हमें दूसरी एक्सप्रेशन, यानी कि जहाँ पे जो है इसमें भी दो टर्म्स है, यानी ये क्या है, बाइनोमियल है। तो अगर हम पहले हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट से देखें, तो आपको क्या करना है, ये हमें दिया गया क्वेश्चन, हमें इसे ऐड करना है, सो 2x plus 4y plus 3x plus 2y। ठीक है, अब हम इसमें से लाइक टर्म्स एक साइड कर लेंगे, सो यहाँ पे आप देखो 2x, तो आपको ऐसा ही कौन सा दिखेगा, एक 3x, तो हम क्या कर लेंगे, 2x plus 3x एक साइड हो गया, अब प्लस 4y है और प्लस 2y, ये एक साइड हो गए यहाँ पे लाइक टर्म्स, अब हम इन्हें छोड़ देंगे, सो 3 plus 2 5, तो ये आपका हो जाएगा 5x, वहीं पे प्लस, अब 4y plus 2y, तो ये कितना हो जाएगा 6y, बस यहाँ पे आपका
आंसर आ गया। तो ये तो था हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में हमने करके लिख दिया कि पहले पूरे क्वेश्चन को ऐसे उतार लिया, फिर लाइक टर्म्स एक साइड कर लिए, फिर उन्हें जोड़ दिया। अब वर्टिकल अरेंजमेंट में क्या होगा, उसमें क्या करना है आपको, जैसे पहला है 2x प्लस 4y, इस तरीके से ही है ना, उसके बाद क्या है 3x प्लस 2y, और अब हमें इसे जोड़ देना होगा। सो y का y यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 2 6 प्लस x और ये 5, और यहाँ पे भी आपका आंसर वही आया। मतलब आप दोनों में से आपको जो तरीका सही लगे उस पे आप कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल सही लगे कि भाई मुझे तो पूरा एक बार क्वेश्चन खोल के लिख देना है, फिर लाइक टर्म्स एक साइड कर लेना, तो वो भी कर सकते हो। और अगर आप ऐसे करना चाहो वर्टिकल अरेंजमेंट तो भी आप कर सकते हो। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे है 9x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4xy। अब हम इसे जोड़ना है, तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल अरेंजमेंट में भी। तो पहले क्या कर लेंगे, अगर हम हॉरिजॉन्टल में जोड़ते हैं तो इसे पहले लिख लेते हैं 9x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 7xy प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4xy, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म्स एक साइड कर लेंगे, तो यहाँ पे 9x स्क्वायर y स्क्वायर और इसके जैसा ही ये है, यानी कि प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस अब माइनस 7, सो माइनस 7xy प्लस 4xy, ये यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या करना होगा, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इसे जोड़ देना, क्योंकि लाइक टर्म्स हमने एक साइड में कर लिए हैं। तो 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, सो ये आ जाएगा आपका 12x स्क्वायर y स्क्वायर। अब यहाँ पे आते हैं, सो प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सो माइनस एक्स वाई प्लस 4xy, तो माइनस प्लस फिर से माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 4 गया, 3 बचेगा, तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस का साइन और 3xy, और ये आपका यहाँ पे आंसर आ गया। अब आप बताइए हम आगे क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आगे कोई लाइक टर्म नहीं है, मतलब यहाँ पे ये प्रोसेस रुक जाएगा, ठीक। आइए वर्टिकल अरेंजमेंट में देखते हैं। सो वर्टिकल अरेंजमेंट में हम कैसे लिखेंगे, वही 9x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 7xy, ये ऐसा यहाँ पे दिया है। अब दूसरा क्या है, 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4xy, इसे हमें जोड़ना होगा, ठीक है। तो आइए जोड़ते हैं, तो 7 प्लस 4, अब यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखना, एक्स वाई हमने यहाँ पे लिख दिया है, इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो 7 में से 4 गया, तो यहाँ पे आपका 3 बच जाएगा। अब साइन किसका लगेगा, सो माइनस प्लस माइनस, वैसे भी 7 बड़ा है, उसके आगे माइनस का है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस 3xy। अब इस साइड आ जाते हैं, सो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वही रहेगा, अब 9 प्लस 3 कर देंगे तो ये आपका 12 आ जाएगा और आंसर आ गया। जो यहाँ पे आया था वही वहां पे आया, तो आपको दोनों में से जो इजी लगे आप वो कर सकते हैं, कि मुझे हॉरिजॉन्टल करना है या वर्टिकल करना है। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।